हेलो गाइस, एक बार फिर स्वागत है आप सब लोगों का हमारे चैनल रूपी बाजार में। राइट, सो आज की एनालिसिस के अंदर हम बात करेंगे कि कल मंडे के दिन मार्केट के अंदर क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है, और इसके साथ में क्या लगता है कि मार्केट में आगे आने वाले वीक के अंदर एक्सपायरी कहाँ होने वाली है। राइट, तो इस सभी टॉपिक पर आज हम बात करने वाले इस वीडियो के अंदर, तो इस वीडियो को आप बहुत ध्यान से सुनते रहेगा, और साथ में अगर आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलिएगा। सो चलते हैं अपने वीडियो में। जैसे ही न्यूज फ्लैश हो रही है, मनी कंट्रोल का मैंने वेबसाइट खोल रखा है, यहाँ पर बता रहा है कि जो मार्केट है वो लगभग 14,900 जाने की उम्मीद है कल के डे में। राइट, ऐसा न्यूज में कहा जा रहा है कि 14,900 के लेवल पे मार्केट जा सकता है, और कुछ स्टॉक्स हैं जो कि लगभग 13 से लेके 20% का रिटर्न शॉर्ट टर्म के अंदर दे सकते हैं। सो राइट, सो ये एनी डिसाइसिव ट्रेडिंग अबव 15,050 और निफ्टी विल कंक्लूड द करेंट करेक्शन लैग एंड न्यू अप वेव विल स्टार्ट। अगर मार्केट 15,50 के ऊपर जाता है तो अगेन हमें एक मार्केट में एक मूवमेंट अप मूवमेंट देखने को मिल सकती है आने वाले समय के अंदर, तो ऐसा न्यूज का कहना है। सो देखते हैं कि आने वाले इस वीक के अंदर 15,050 के ऊपर मार्केट जाता है क्या, या फिर मार्केट जहां जिस लेवल पे उससे नीचे जाता है। राइट, तो ये सारी हम बात करेंगे। चलते अपने चार्ट पर, चार्ट के अंदर देखते हैं कि चार्ट हमारा क्या बता रहा है। राइट, अगर हम चार्ट के अंदर देखें तो यहाँ पर मैंने जैसा आपको बताया था कि एक डबल टॉप पैटर्न यहाँ पे हमें एक फॉर्मेशन होता दिखाई दे रहा है, उसके बाद लगातार मार्केट एक बेयरिश सेंटीमेंट बना हुआ था, और लगातार बेयरिश ट्रेंड यहाँ पे लगातार कंटिन्यू बना हुआ था। राइट, लेकिन फ्राइडे के दिन एक बड़ी बुलिश कैंडल ने इस परसेप्शन को कहीं ना कहीं एक बदल दिया है, धराशायी कर दिया है, और यहाँ से एक कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है कि क्या बाकी मार्केट में एक बेयरिश ट्रेंड, एक डाउनफॉल हमें देखने को मिल सकता है, या फिर मार्केट का डाउनफॉल था यहाँ से खत्म हो चुका और अब अपट्रेंड स्टार्ट होने जा रहा है। राइट, तो ये यहाँ से कंफ्यूजन कहीं ना कहीं कैंडल, फ्राइडे वाली कैंडल ने क्रिएट किया है। तो अब जानेंगे कि क्या कुछ इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर वो इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक होते हैं तो मार्केट के आने वाले मूव क्या हो सकती है। राइट, तो यहाँ पे मैंने कुछ लेवल यहाँ पे मैंने ड्रॉ किए हुए, आप देख सकते हैं, एक 14,900 का लेवल है, एक 14,500 का लेवल है। राइट, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मार्केट ने 14,500 के लेवल को रिस्पेक्ट किया और उसके ऊपर ही जाके इसने क्लोजिंग किया। राइट, तो यहां से एक चीज हम समझ में आ रही है कि मार्केट 14,900 के नीचे गया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, उसके नीचे उसने ओपनिंग दी थी बट इसके नीचे इसने सस्टेन नहीं किया, और मार्केट वापस से 14,500 से 14,900 के बीच में ही जाके क्लोज हुआ है। राइट, अब यहां से क्या समझ में आता है, यहां से एक चीज समझ में आती है कि अगर तो यहाँ पर 14,900 जो लेवल है वो बहुत क्रूशियल लेवल होने वाला है, बहुत ज्यादा क्रूशियल लेवल होने वाला है। अगर ये 14,900 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो श्योर श्योर हम यहाँ से एक अप मूव देखने को मिल सकती है, हमें यहाँ से मार्केट में अगेन एक अप मूव देखने को मिल सकती है। राइट, क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, इसके पीछे कारण ये है कि 14,900 का एक रेजिस्टेंस तो है, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जो कि मार्केट का काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पर 20 EMA, 20 सिंपल मूविंग एवरेज, 20 भी के नीचे अभी प्राइस है। राइट, और अगर प्राइस 20 EMA के ऊपर जाता है, 14,900 के ऊपर भी जाएगा, तो कहीं ना कहीं कन्फ्लुएंस क्रिएट हो रहा है। तो दो लोगों का सपोर्ट है, एक 14,000 का और एक 20 EMA का, यानी कि यहाँ पर दो चीजों का सपोर्ट यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। इसके अलावा एक ट्रेंड लाइन जो मैंने यहाँ पे खींची हुई है, आप ये देख रहे हैं, मैं इसको डार्क कर देता हूँ तो आपको यहाँ समझ में आएगा। राइट, मैंने इसको डार्क कर दिया, ये यहाँ पर ट्रेंड लाइन है, यहाँ पर इसका भी कन्फ्लुएंस है, यानी कि आप देखें तो एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस यहाँ पर है, एक 14,900 का रेजिस्टेंस है, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 14,900 का एक रेजिस्टेंस यहाँ, एक अपना ट्रेंड लाइन का, और तीसरा जो रेजिस्टेंस है वो है हमारे किसका, अगर हम देखें तो EMA 20 का। इसको मैं भी डार्क कर देता हूँ जिससे आपको समझ में आए। राइट, मैं इसको थोड़ा और डार्क कर देता हूँ जिससे आपको इजीली दिख सके। राइट, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 20 EMA का भी यहाँ पर रेजिस्टेंस है, 14,900 का रेजिस्टेंस, और साथ में हमारी वो ट्रेंड लाइन मैंने जो ड्रॉ की हुई है उसका भी रेजिस्टेंस है। तो अब यहाँ बहुत बड़ा लेवल यहाँ से बनता है, यानी कि मंडे के दिन अगर मार्केट गैप अप ओपन होकर 14,900 के ऊपर ओपन होता है तो यहां से हमें एक अप मूव देखने को मिल सकती है आने वाले से। हम कह सकते हैं कि मार्केट अब यहां से एक नया अप मूव हमें देख सकता है। राइट, तो हम ऐसा कह सकते हैं, और जैसा कि एक बेयरिश कैंडल ने पूरे सेंटीमेंट को बदल दिया है, लेकिन वहीं हम जैसे कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू अभी तक की वीडियोस में हमने मैंने बताया हुआ है कि अगर मार्केट 14,500 के नीचे ओपन होता है, जो कि ओपन होने के चांसेस भी हो सकते हैं, नो डाउट। राइट, जैसे कि मार्केट में एक पॉजिटिव न्यूज कहीं ना कहीं स्प्रेड हो रही है, बट कहीं ना कहीं मार्केट के जो एक लॉन्ग टर्म कुछ पिछले
1 वीक की अगर हम देखें तो एक बेरिश सेंटीमेंट को देख के हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं अगर मार्केट 14,900 के नीचे ओपन होता है तो हमें एक डाउनफॉल हमें देखने को मिल सकता है। जो नेक्स्ट लेवल है वो कहीं ना कहीं हमें ये लेवल देखने को मिल सकता है जो कि लगभग 13,500 का लेवल हम इसको बोल सकते हैं कि जो नेक्स्ट लेवल है हमें 13,500 का यहाँ पर देखने को मिल सकता है आने वाले समय के अंदर, राइट। हम ऐसा मान के चलते हैं कि जो 13,500 का लेवल वो हमें देखने को मिल सकता है अगर 14,500 के नीचे मार्केट ओपन होता है और उसके नीचे सस्टेन करता है, यानी कल की कैंडल 14,500 के नीचे क्लोज होती है, ओपन होने के बाद क्लोज होती है। सो हमें 13,500 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है इस वीक के अंदर और आने वाले समय के अंदर, राइट। सो ये मेरा एनालिसिस है। इसके अलावा अगर मैं देखूँ और क्या सेंटिमेंट कहते हैं बुलिश को लेकर, जो कि मार्केट में कहीं ना कहीं बुलिश सेंटिमेंट्स है, तो और क्या कहते हैं, कंफ्लुएंस रेजिस्टेंस यहाँ पे बता रहा है। अगर रेजिस्टेंस के ऊपर ओपन हुआ, 14,900 के ऊपर हुआ तो कहां तक जाएगा वो भी है, और क्या लगता है यहां से रिवर्सल हो सकता है, तो इसके लिए मैं हेल्प लूंगा अपने फिबोनाची रिट्रेसमेंट की। तो मैं यहां से फिबोनाची रिट्रेसमेंट की हेल्प ले रहा हूं और यहां मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज किया और आप देख सकते हैं यहां पर लगभग 50% का रिट्रेसमेंट लगभग दे चुका है। 14,500 के लेवल पर लगभग 50% का रिट्रेसमेंट है अपना निफ्टी का, और कहीं ना कहीं यहां से एक चीज साइन मिलता है कि अगर ये बाकी में रिवर्सल है, यानी कि यहां से एक अपमूव देखने को मिल रही है, तो ये एक सही टाइम है अपमूव देने का, बिकॉज 50% का रिट्रेसमेंट ये दे चुका है। अब अगर इसको ट्रेंड बदलना है तो यहां से कल के दिन मार्केट कहीं ना कहीं ओपन होना चाहिए 14,900 के। अगर 14,900 के ऊपर ओपन होता है तो एक बड़ी अपमूव हमें देखने को मिल सकती है आने वाले समय के अंदर। और अगेन ये लगभग 14,900 के नीचे ओपन होता है तो हम 13,900 का जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो हमें लेवल आने वाले समय के अंदर मिल सकता है, राइट। तो ये है निफ्टी का चार्ट जो हमसे बोल रहा है। इसके अलावा क्या कहता है ओआई, तो ओआई को भी हम देख लेते हैं, ओआई हमसे क्या बता रहा है। तो ओआई की अगर हम चलें तो ओआई की तरफ अगर देखें तो यहां पर ओआई का क्या कह रहा है, 25 मार्च की जो ओआई मैंने यहाँ पर खोल रखी है, आप यहाँ देख सकते हैं ये यहाँ पर राइटिंग हो रही है। आप देखें पुट के अंदर राइटिंग हो रही है, कॉल में भी राइटिंग हो रही है, यानी दोनों तरफ राइटिंग हो रही है। तो एक कंफ्यूजन वाली सिचुएशन बन रही है कि क्या मार्केट में क्या सेंटीमेंट की डायरेक्शन होने वाला है, बट पुट में राइटिंग हो रही है और ये कहीं ना कहीं पुट में राइटिंग, कॉल में राइटिंग, दोनों राइटिंग, यानी कि नॉन डायरेक्शनल एक हमें यहाँ पे दिखता हुआ दिखाई दे रहा है। बट फिर भी कुछ लेवल यहाँ से हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा अगर हम देखें ओआई, तो अभी जो नेक्स्ट पुट के अंदर है वो है 14,500 पे, यानी 14,500 पे 41 लाख का ओआई यहाँ पर बिल्डअप हुआ है। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो नियर में कॉल के अंदर जो ओआई है वो है 33 लाख का, लगभग 33.5 लाख के आसपास मान सकते हैं, जो कि 15,000 के लेवल पर है। यानी कि 15,000 और 14,500, राइट, ये काफी, सॉरी 14,500, राइट, 14,500 एंड 15,000, ये जो लेवल है ये काफी क्रूशियल है, राइट। अब यहाँ पर कल के मार्केट के बाद देखने को मिलता है कि कहाँ पर जो ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं कहाँ एड ऑन होने वाले हैं। अगर 15,000 14,500 के लेवल पे अगर ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स एड ऑन होने वाले हैं तो हम मान सकते हैं पुट में कहीं ना कहीं राइटिंग हो रही है और अप मूव हमें देखने को मिल रहा है। और अगर कल की मार्केट में 15,000 पर राइटिंग ज्यादा हो रही है और यहाँ से 33 लाख से ज्यादा ओपन कॉन्ट्रैक्ट बढ़ के अगर 40 लाख 50 लाख पे हो जाते हैं और इसके कम होते हैं, राइट, तो हम कह सकते हैं कि पुट कॉल के अंदर राइटिंग ज्यादा है और इन दैट केस कहीं ना कहीं मार्केट में जो एक बुलिश सेंटीमेंट जो दिख रहे हैं कहीं ना कहीं वो सही नहीं है और अंदर की खबर ये है कि बेयरिश सेंटीमेंट ही कंटिन्यू रहने वाले हैं। सो ये कल की ओआई बिल्टअप होगा तब हम कह सकते हैं। अभी के ओआई से तो ये लग रहा है कि दोनों तरफ राइटिंग और नॉन डायरेक्शनल हमें यहाँ से दिखाई दे रहा है, राइट। इसके अलावा अगर हम देखें टोटल ओआई क्या कहता है, अगर टोटल ओआई की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कॉल के अंदर 6,09,959, लगभग 6,10,000 के आसपास हमारे ओपन कॉन्ट्रैक्ट कॉल के अंदर हैं। अगर हम बात करते हैं पुट के अंदर तो 5,89,428 ओपन कॉन्ट्रैक्ट पुट के अंदर है, राइट। अगर देखें तो ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, लगभग यू नो 50 लगभग 30-40 हजार के ओपन कॉन्ट्रैक्ट का डिफरेंस है, और वो भी नहीं मेरे ख्याल से लग रहा है, आई थिंक 10-15 हजार का ओपन इंटरेस्ट का डिफरेंस है। तो यानी कि यहीं से एक चीज समझ में आती है कि पुट में भी जबरदस्त सवाली राइटिंग हो रही है, कॉल में तो जो थी ऑलरेडी थी लेकिन पुट में कम राइटिंग हुई है एज कम्पेयर टू कॉल के मुकाबले, पुट में ज्यादा राइटिंग हुई है एज कम्पेयर टू पुट के कॉल के मुकाबले। क्योंकि जब हमने फ्राइडे के दिन ओपन ऑप्शन चेंज देखा था तब यहाँ 5 लाख के आसपास तब भी ओपन कॉन्ट्रैक्ट थे और यहाँ पर 3 लाख के आसपास थे, राइट। अगर आप देखें तो यहाँ पर लगभग
2 लाख प्लस यहाँ पर कॉन्टेक्ट अपन बढ़े हैं, और यहाँ पे अगर हम देखें तो लगभग 1 लाख के आसपास यहाँ पर राइटिंग हुई है। तो एक चीज यहाँ पे समझ में आ रही है कि कॉल में राइटिंग कम हुई है, पुट में राइटिंग ज्यादा हुई है। तो एक चीज यहाँ पे समझ में आ रही है कि पुट में कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा है कि अब मार्केट में सेंटिमेंट बियरिश नहीं है, अब वो कहीं ना कहीं बुलिश होने वाले हैं। तो एक चीज हमें यहाँ से, एक कंक्लूजन यहाँ से ये निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, मार्केट की न्यूज को देखते हुए, ओआई के चार्ट को देखते हुए, चार्ट पर कहीं ना कहीं फिबोनाची रिट्रेसमेंट को देखते हुए, तो सारी चीजें कहीं ना कहीं ये साबित कर रही हैं कि मार्केट में हमें एक अप मूव देखने को मिलने वाला है मंडे के दिन, राइट। सो वेरी इंटरेस्टिंग होने वाला है, अगर 14,900 के ऊपर ओपन होता है तो एक अगेन हमें एक बड़ी बुलिश रैली हमें देखने को मिलेगी और इसे हम एंजॉय भी करेंगे, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो, राइट। अगर आपको मेरा एनालिसिस पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलिएगा, और साथ में इसी तरह की और भी वीडियो अगर आप हमारे एनालिसिस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाइए और वहां पर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा चैनल है रुपी बाजार, मैं आपको दिखा देता हूँ। राइट, जस्ट गो टू गूगल एंड दिस इज अवर चैनल रुपी बाजार, राइट। यहाँ पर हम मार्केट जितनी भी चीजें हैं हम यहाँ पर रेगुलर मार्केट रिसर्च के रिगार्डिंग सारी वीडियो लाते हैं, तो आप हमारे वीडियो चाहिए चैनल पर, राइट। और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो, आई होप आपको हमारा मेरा एनालिसिस पसंद आया होगा, राइट। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैप्पी ट्रेडिंग, ऑल द बेस्ट गाइस।